नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैंक्रियास पैंक्रियास इज ए कंपोजिट ग्लैंड कंपोजिट ग्लैंड मींस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों क्रिशन करता है ये एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन से है और एक्सोक्राइन का मतलब जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रिट करता है उसको हम लोग एक्सोक्राइन सिक्रेशन बोलते हैं जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रिट होते हैं पेंक्रियास से वो एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन का मतलब जो हारमोन्स वाला पोर्सन है उसको हम लोग एंडोक्राइन बोलते हैं एंडोक्राइन सिक्रीसन के लिए पेंक्रियास के अंदर आइलेट ऑफ लैंगर होती हैं जो छोटे छोटे एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग आईलेट ऑफ लैंगरसेंस बोलते हैं और इनका जो नंबर होता है वन टू टू मिलियन होता है वन टू टू मिलियन आईलेट ऑफ लैंगरसैंस फाउंड इन नॉर्मल ह्यूमन पेंक्रियाज और ये पूरे पेंक्रियाज का वन से टू परसेंट ही होता है जितना पेंक्रेटिक टिश्यू है उसका वन से टू परसेंट जो होता है आईलेट ऑफ लैंगरस होता है और इनकी जो नंबर होता है वन टू टू मिलियन होता है और इसमें टू टाइप्स की सेल होती हैं आई लेट ऑफ लैंगरह में वह अल्फा और बीटा सेल्स और अल्फ़ा और बीटा सेल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रेट करते हैं तो अल्फा सेल सीक्रेट करती है ग्लूकागान और बीटा सेल सीक्रेट करती है इंसुलिन और ये पूरे पेंक्रियास का वन से टू परसेंट तक होता है तो ग्लूकागान के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ग्लूकागान जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेन्टेन करता है यानी अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा है तो ग्लूकागान उसको बढ़ा देता है इसीलिए इसको हम लोग हाइपर हार्मोन भी बोलते हैं यानी ब्लड में ये हाइपर काज करता है कैसे करता है ये हिपैटोसाइड या लीवर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ पे ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज है ग्लूकोज का उसको डिसोसिएट करती है ग्लाई ग्लूकोज में यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फार्मेशन कराती है ग्लाइके ग्लाइकोजेनो इकोजेनोलिस इसके लिए बेट, बेटर वर्ड होगा लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन एंड ग्लाइकोजेनो का मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन तो इस तरह से जो ग्लूकागान का फंक्शन है वो ग्लाइकोजन को चेंज करना है ग्लूकोज में तो जब भी ये सिक्रीट होगा ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा ब्लड के अंदर इसीलिए इसको हाइपर ग्लाइसिमिक हार्मोन भी बोलते हैं इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजिनेसिस भी करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्लाइकोजन के अलावा किसी अदर सब्सटेंस से हो रहा है प्रोटीन से फैट से हो रहा है तब उसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस नियो का मतलब कोई अदर देन ग्लाइकोजन तो इस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी कुल मिला के इसका जो फंक्शन ये है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना या मेंटेन करना है ठीक है तो इस तरह से ब्लड के अंदर ये लेवल को बढ़ाएगा और रिड्यूसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को ये कम भी करेगा यानी सेल्स के लिए अवेलेबिलिटी को कम कराएगा सेल्स में एक लेवल से ज़्यादा ग्लूकोज को ये नहीं जाने देगा तो ये एक तरह का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है इसके बाद सेकेंड हारमोन इससे जो सीक्रिट होता है वो है इंसुलिन तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हारमोन है और ये ग्लूकोज होम्योस्टाइसिस करता है होम्योस्टास का मतलब समझ रहे हैं किसी भी चीज़ को मेनटेन करना कम एक लेवल पे बना के रखना जैसे टेम्परेचर का भी बॉडी में होमस्टेसिस होती है उसी तरह ग्लूकोज का भी होता है इसके अलावा इंसुलिन जो है वो हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे के ऊपर एक्ट करता है और ग्लूकोज सेल्स के लिए ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है लेकिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है तो इस तरह से ये सेलुलर अपटेक को इंक्रीज करेगा लेकिन ब्लड शुगर लेवल को ड्रीज करेगा तो ये एक तरह से हम देखें तो ये इसके अपोजिट काम करता है ग्लूकागान के तो इस तरह से ग्लूकोज देयर इज ए रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिक तो एक तरह से ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है और ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को यानी ग्लूकोज के टिश्यूज के अंदर अपटेक को और लीवर के अंदर स्टोरेज को ये इंक्रीज करता है यानी ग्लाइको जेनेसिस कराता है और ग्लूकागन कराता था, था ग्लाइको ग्लाइकोजेनोलिसिस कराता था लेकिन ये ग्लाइको जेनेसिस कराता है उसके अपोजिट काम करता है यानी ये ब्लड के में से हटा करके एडिपोस्ट टिश्यू में हेपेटोसाइट्स के अंदर स्टोरेज कराता है और ब्लड के अंदर कम रखता है तो एक हार्मोन ब्लड के शुगर को कम करता है एक हार्मोन ब्लड के शुगर को बढ़ाता है यानी इंसुलिन डिक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल बट ग्लूकागन इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल इस तरह से दोनों मिल करके ये हार्मोन काम करते हैं तो अगर किसी भी वजह से इंसुलिन की डिफिशेंसी होती है तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लगता है क्योंकि उसको कम करने वाला हार्मोन इंसुलिन ही है तो डायबिटीज मलाइटिस में यही चीज़ होती है तो इस तरह से डायबिटीज़ के केस में जब एक्स्ट्रा ब्लड शुगर लेवल होता है तो वो यूरिन के अंदर जाने लगता है और इसके साथ साथ ब्लड शुगर हाई होने से कीटोन बॉडीज का भी फॉर्मेशन होता है तो इस तरह से इसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इंसुलिन का यूज़ करते हैं